कल हमने स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ नंबर के स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाली एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल सब सेल का नाम डिसाइड, इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रेजेंट है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिएंटेशन शो करेगा, मींस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है और स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो स्पिन क्वांटम नंबर डिसाइड करेंगे। इस तरह अलग अलग क्वांटम नंबर का अलग अलग काम है। कल जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें एक दो कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद अगले स्टेप पर चलेंगे। N11, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 1, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो वैलेंसी सेल है और वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए इसका डायग्राम क्या होगा, 3s1, ये 3s सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसका नाम 0। और हमको इसी की हाल क्वांटम नंबर डिसाइड करना है इस इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी सेल में है। तो n=3, क्योंकि ये थर्ड सेल में, s सब सेल में प्रेजेंट है, इसलिए l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0, क्योंकि s ऑर्बिटल अकेला होता, उसका नाम 0 है। स्पिन +1/2, ये आंसर आ गया, नोट करिए आप सभी। इस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑल क्वांटम नंबर को डिसाइड कर सकते हैं। अब तो ये इस तरह क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन हो। अब हम यहां से अगली बात करते हैं, कुछ राइटिंग वर्क भी करेंगे आप। ऑर्बिटल जो होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम नंबर से ये डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के रूल है, ऑर्बिटल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो इससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन, तीन रूल रेगुलेशन है। एक का नाम है अबाउ प्रिंसिपल, N+L रूल, दूसरे का नाम हुंस मल्टीपल आपने सुना है, और तीसरे का नाम होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों रूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के रूल रेगुलेशन, जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे तीनों रूल रेगुलेशन को समझेंगे। अब यहां पर पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको समझने की कोशिश, इसका सीधा सा रूल है, 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं मैक्सिमम, इन विच 1 is clockwise देन अदर एंटी क्लॉकवाइज, सेम स्पिन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल नहीं है, यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में पॉसिबल नहीं, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको बदल के भी बोला पाउली, क्या स्टेटमेंट दिया कि किसी भी एलिमेंट के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ऑल क्वांटम नंबर, ऑल क्वांटम नंबर मतलब 4 क्वांटम नंबर आर नॉट सेम, किसी भी एलिमेंट के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ऑल क्वांटम नंबर आर नॉट सेम, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो तय है 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, जैसे
मैग्नीशियम 12। ये एग्जांपल से पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझते हैं। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड एट लास्ट 2। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बारे में बात करें। क्या डायग्राम होगा इसका? 3s2, 1, 2। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन की हाल क्वांटम नंबर डिसाइड करेंगे, क्या सेम आएगी या नहीं आएगी देखते हैं। पहले इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर पता करें, फिर इसकी पता करें। दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है, इसमें लिखेंगे n, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? थर्ड में। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू सबसेल कौन सा है? s, s पर 0। s ऑर्बिटल का नाम तो 0 होता है, तो m की वैल्यू भी 0। बट स्पिन क्वांटम नंबर +1/2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, उधर चलते हैं। n इक्वल टू, देखो इसी इलेक्ट्रॉन के जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी तो थर्ड सेल में है, तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0 क्योंकि s सब सेल में है, ये लिखा, और m की वैल्यू इसके लिए 0 होगी। स्पिन क्वांटम नंबर -1/2, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो गई। यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। आप किसी भी एलिमेंट के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, कभी भी ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी। अगर तीन क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम है, तो ऑलरेडी फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट होगी। ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टार्टिंग इसी से लिखने से करेंगे, नोट करिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखिए, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट स्टेट दैट इट हुंड्स मल्टीपल लॉ। क्या नाम है उस लॉ का? हुंड्स मल्टीपल लॉ। हुंड्स मल्टीपल लॉ में हम विथ एग्जांपल समझेंगे, पहले समझेंगे फिर उसको नोट करेंगे। हुंड्स मल्टीपल लॉ, हुंड्स मल्टीपल लॉ का सीधा सा मीनिंग है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज इंटर होगा। जब सभी ऑर्बिटल सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे तब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, ये हुंड्स मल्टीपल लॉ। जैसे सल्फर 16 सिंपल सा एग्जांपल है, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड एट थर्ड 6। अब यहां पर ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में हम देखें डायग्राम क्या होगा, 3s2 3p4। अब यहां हुंड्स मल्टीपल लॉ के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं देखें। ये s 1 2, s ऑर्बिटल तो अकेला है सिंगल, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसकी पेयरिंग इसी तरह होगी। लेकिन p ऑर्बिटल कितने होते हैं? ऑर्बिटल तो 3 होते हैं, और 3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन है उसमें 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप ऐसे होगा 1 क्लॉकवाइज इनिशियली, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन। जब तक ऑर्बिटल 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे, अब वैकेंट स्पेस खत्म हुआ तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। ये हुंड्स मल्टीपल सिंपल सा रूल है, पहले इसको आप समझिए एग्जांपल के साथ और फिर इसका स्टेटमेंट नोट करिए। लिखिए, पहले
स्टेटमेंट को नोट करेंगे, हुंस मल्टीपल्ला लिखिए, अकॉर्डिंग टू हुंस मल्टीपल्ला, अकॉर्डिंग टू हुंस मल्टीपल्ला द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल, सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस, does not take place till T-I-L-L, till each orbitals of that subshell have one electron each, that subshell has one electron each. फिर से पूरा सेंटेंस एक बार रिपीट करूंगा, नोट करिए. According to Hund's multiple, the pairing of electrons in the orbitals of same subshell does not take place till each orbital of that subshell has वन इलेक्ट्रॉन ईच. ये इसका स्टेटमेंट है. इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड कर लीजिए, हाफ फील्ड आर फुल फील्ड, हाफ फील्ड आर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, हाफ फील्ड आर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू लोअर एनर्जी, ड्यू टू लोअर एनर्जी. जितना इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में होगा उतना ही एटम के पास स्टेबिलिटी हायर होगी. हुंस मल्टीपल्ला रूल्स के बाद, हुंस मल्टीपल्ला के बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, ऑर्बिटल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हैं तो थर्ड रूल है. कौन सा रूल है? थर्ड नंबर का. पहला पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, सेकंड मल्टीपल आया था, और अब है आप बाहु A U B, A U F B A U, आप बाहु प्रिंसिपल. इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन ध्यान से समझिए इसको केयरफुली. आप बाहु प्रिंसिपल, हुंस मल्टीपल्ला, पाउली एक्सक्लूजन हमेशा समझते हैं कि साइंटिस्ट के नाम पर है. आप बाहु साइंटिस्ट का नाम नहीं है. आप बाहु का मीनिंग है, ये वर्ड है, और इस आप बाहु का मीनिंग है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्डअप. सीधा सा मीनिंग क्या है इसका? बिल्डअप. बिल्डअप का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर. हुंस हुआ, पावली हुआ, ये तो साइंटिस्ट है, लेकिन आप बाहु का मीनिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर. किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या है मीनिंग? इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आप बाहु का मीनिंग होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्डअप. अब ये रूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है? इसका सीधा सा मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली इंटर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल.
यस कामिनी मीन्स आप बाहु प्रिंसिपल है कि किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी एटम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होगा, ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी, क्योंकि ये ऑर्बिटल फिलिंग के रूल है, ऑर्बिटल्स में बात होगी। तो आप बाहु प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन इंटर इनिशियली या इलेक्ट्रॉन कम फर्स्ट इन ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाना चाहेगा, लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहता है, नियर टू न्यूक्लियस, जब भी उसके पास स्टेबिलिटी हो, मतलब न्यूक्लियस के वो नजदीक है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल में, न्यूक्लियस से दूर है, अवे फ्रॉम हायर एनर्जी का है। तो आप बाहु प्रिंसिपल क्या है, सीधा सा सिंगल स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन कम फर्स्ट इन ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में एंट्री करेगा, इंटर होगा। अब हम एनर्जी लेवल कहां से पता करें कि कौन लोअर एनर्जी लेवल का, कौन हायर का, इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, बाद में कहां जाएगा, तो इसके लिए आप बाहु प्रिंसिपल का स्टेटमेंट सेकंड आया, जिसको हम बोलते हैं N प्लस L रूल। ये आप बाहु प्रिंसिपल में ही इंक्लूड है, कौन सा रूल, N प्लस L रूल, और N के बारे में आप जानते हो, L के बारे में भी आप जानते हो, इन दोनों का सम इलेक्ट्रॉन को एंट्री देगा लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल। जिस ऑर्बिटल के लिए N प्लस L की वैल्यू लोवेस्ट होगी वो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल, और जिस ऑर्बिटल के लिए N प्लस L की वैल्यू हायर होगी वो हायर एनर्जी लेवल। इस रूल रेगुलेशन से, N प्लस L रूल से हम डिसाइड करेंगे कौन ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल का है, कौन हायर एनर्जी लेवल का, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बाद में कहाँ जाएगा, ठीक है। तो पहले N और L की बात कर लें, N क्या है, N नंबर ऑफ सेल आर ऑर्बिट, अरे ये तो कल स्टडी कर चुके हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N, जो क्या शो करती है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में, कौन से सेल के अंदर, L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, L का मतलब क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताती है आपको, सब सेल के नाम, चार वैल्यू है, वैल्यू ऑफ L, S फॉर जीरो, P फॉर वन, D फॉर टू, F फॉर थ्री, बस ये चार तो वैल्यू समझी आपने, कर समझ में आई बात, N प्लस L रूल को समझने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी का रूल है, N नंबर ऑफ ऑर्बिट और एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल का नंबर, S के लिए जीरो रखना पड़ेगा, P के लिए वन रखना पड़ेगा, D के लिए टू और F के लिए थ्री। और जब हम N प्लस L को दोनों का सम करेंगे, N और L का, किसी ऑर्बिटल के लिए, अगर वो लोअर एनर्जी मींस मिनिमम नंबर है तो लोअर एनर्जी लेवल, कंपैरेटिवली एन प्लस एल की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन फिर हायर एनर्जी लेवल को जंप करेगा। देखते हैं, सबसे पहले बात करें 1s की, इसमें एन प्लस एल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक, और इसका आंसर लाएंगे। पहले देखो ये 1s, n की वैल्यू क्या लिखी है, n की वैल्यू तो सबसे पहले लिखी होती 1, इसमें n प्लस l लगा, n की वैल्यू 1, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल से l की वैल्यू यहां से लो 0, क्या आंसर आ गया, अरे 1 प्लस a, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये 1s के लिए n प्लस l की वैल्यू है। आप जानते हो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता था, आप ही लिखते थे ऐसे, ये 1s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में तो जाता था 1s में, क्योंकि उसके लिए n प्लस l की वैल्यू 1। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाता था ये भी आपको पता है, 2s में जाता होगा, देखते हैं क्यों जाता है, n की वैल्यू क्या है, 2,
ये एन प्लस एल रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, एन की वैल्यू यहाँ क्या लिखी है टू, एस के लिए एल की वैल्यू यहां से लेंगे जीरो, टू प्लस जीरो इक्वल टू टू। अब आप खुद सोच करके बताओ इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, वन एस में जाएगा कि टू एस में जाएगा? अरे इलेक्ट्रॉन पहले वन एस में जाएगा क्योंकि एन प्लस एल की वैल्यू उसके लिए वन है, और टू एस में उसके बाद जाएगा क्योंकि उसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू टू है। हायर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, हायर इज एनर्जी। ये आप बाहू प्रिंसिपल है, n प्लस l की वैल्यू हायर है मतलब वो हायर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें जाएगा, पहले कहां जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 2s के बाद आता है 2p, यहां लिखते चलते हैं। 2s के बाद आप 2p लिखते थे 6, 1s फिर आएगा 2s फिर आता है 2p6। यहां लिखते हैं n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू लाओ, यहां से p के लिए l की वैल्यू 1, आंसर बना 3। देखो आंसर चेक करो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा क्योंकि उसके लिए 1 प्लस l, n प्लस l की वैल्यू 1 है। उसके बाद वो 2s में जाएगा क्योंकि आंसर 2 है n प्लस l का, और 2p में 2s के बाद जाएगा क्योंकि 2p ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल का, उसके लिए आंसर आता है 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये आ गया है। अब सेकंड ऑर्बिट में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होते थे? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड 18 और 32, ये रूल है। आगे देखते हैं कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, क्योंकि हम ऑर्बिटल के फिलिंग रूल स्टडी कर रहे हैं। ये आया भाई 3s, n प्लस l लगा, n की वैल्यू 3, s के लिए 0, आंसर बना 3। अब आपकी प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। 2p ऑर्बिटल के लिए और 3s के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। यहाँ n प्लस l के रूल में करेक्शन किया, अभी तक क्या बोलते थे? जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू लोवेस्ट होगी वो लोअर एनर्जी लेवल का, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू हायर होगी वो हायर एनर्जी लेवल का, इलेक्ट्रॉन बाद में उसमें जाएगा। लेकिन यहाँ तो n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। अब जब n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई तो अपनी प्रॉब्लम आ गई, क्या करें? वही रूल आपको फिर हेल्प करेगा। और क्या बोला उसने n प्लस l रूल ने, कि जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम हो तो वो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल का होगा जिसका n लोवेस्ट होगा। जिसकी n की वैल्यू लोअर होगी वो लोअर एनर्जी लेवल का। इन दोनों में देखो n प्लस l की वैल्यू तो सेम है 3, बट n की वैल्यू किसके पास लोअर है? 2p के पास 2 है और 3s के पास 3 है, तो लोवेस्ट वैल्यू n की 2p के पास है, इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाए। ये n प्लस l रूल का सेकंड स्टेप, ध्यान से फिर से सुनिए। जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में इंटर करेगा जिसके लिए n की वैल्यू लोएस्ट हो। ठीक, तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3s में बाद में जाएगा। ये आ गया 3s, ध्यान से समझते चलिए। 3s के बाद आता है 3p। चलिए n प्लस l रूल लगाएंगे, n की वैल्यू 3p के लिए 1, आंसर बना 4। पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा फिर 3s में फिर 3p में आ गया, अब कहां जाएगा पता नहीं। तो सारे ऑर्बिटल अपने पास खुले ऑप्शन है, आप जो डिजाइन बनाते हो उसमें सारे ऑप्शन आपके पास ओपनली है। आगे लिखूंगा मैं 3p, ये आ गया 3p6। आ गया फर्स्ट ऑर्बिट में कौन होता है, ध्यान करिए, याद करिए, फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एस होता है, कल समझाया। सेकंड ऑर्बिट में एस और पी के अतिरिक्त कोई ऑर्बिटल नहीं हो सकता। थर्ड सेल में एस पी और डी, थर्ड सेल में डी भी पॉसिबल है। फिर फोर्थ सेल में और एस और पी और डी और एफ, फोर्थ सेल में सब होंगे, ऐसा रूल है। अब देखिए, अब आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक आपने
एन प्लस एल मोल को अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। अब आपके पास चॉइस क्या है, 3D, 4S, 4P, ये तीन चॉइस है। अब देखते हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा। 3P के बाद यहां मैं 4S लिखूंगा जानबूझ करके, आपको समझाऊंगा, फिर आप हां करिए ना करिए उसके बाद आगे बढ़िए। 4S n प्लस n की वैल्यू लगाइए, n की वैल्यू 4s के लिए 0, देखिए 3p6 और 4s के लिए ये लिखा आपके सामने, 3p6 के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या है 4, 4s के लिए भी n प्लस l की वैल्यू क्या है 4, दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम आई। ये कैसे अप्लाई करेंगे, जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर करेगा जिसके पास n की वैल्यू लोवेस्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा 3p में। अब देखते हैं वो 4s में जाएगा या 3d में जाएगा, क्योंकि यहां तो 3d बैठा और यहां 4s है, ऑर्बिट बदल गया ना। अरे 3d तो थर्ड ऑर्बिट है, 4s तो फोर्थ ऑर्बिट हो गया ना, ऑर्बिट चेंज हो गया, 4s में जाएगा कि 3d में, देखते हैं। अब ये 3d लगाओ इसमें n प्लस l की वैल्यू, n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू 2, आंसर बना 5। अब आप तो पढ़े लिखे समझदार हो, 11th में आ चुके, 10th पास हो गए, तो अब आपको यहाँ चेक करना है और मेरे को आंसर देना है कि इलेक्ट्रॉन को मैं पहले कहाँ एंट्री करूँ। देखिए 4s के लिए 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, ये n प्लस l की वैल्यू है और आप बाहु प्रिंसिपल है जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू लोवेस्ट होगी, इलेक्ट्रॉन कम फास्ट, या उसको ऐसे बदल के बोलिए अकॉर्डिंग टू आप बाहु प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन इंटर इनिशियली ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, और एनर्जी लेवल कहां से पता करोगे, n प्लस l रूल से, जिसकी n प्लस l की वैल्यू लोवेस्ट वो लोअर एनर्जी लेवल, पहले इलेक्ट्रॉन वहां आएगा। बताओ 4s 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, 3d n इक्वल टू 3 और d के लिए l की वैल्यू यहां लिखी है, यहां से लिए मैं 3 to 5, बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, क्यों, n प्लस l की वैल्यू 4 है ना, 3d की तो n प्लस l वैल्यू 5 आ गई, इसमें इलेक्ट्रॉन अभी फिलअप नहीं होंगे, ध्यान से समझिए। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, नेक्स्ट ऑर्बिट को, और कितने इलेक्ट्रॉन 4s2 में आते हैं, 2, तो 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s2 में और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अपनी फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि 3d में इलेक्ट्रॉन आएगा अब के 4p में आएगा, तो यहां पर फिर से अलग से लिखते हैं, कहीं जगह देख करके उसको लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। अब किसका कंपैरिजन करना है, 3d इलेक्ट्रॉन लिया भाई, 3p6 के बाद तो 4s2 में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया और भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब 3d में आएगा कि 4p में आएगा, वहां कंपैरिजन करते हैं, यहां पर कंपैरिजन करते हैं 3d एंड 4p, इनका कंपैरिजन करेंगे इसलिए कि अब हम इलेक्ट्रॉन को कहां इंटर करें, 4s2 तो कंप्लीट हो चुका है, 4s2 के बाद 4p में इलेक्ट्रॉन को एंट्री दें या 3d में, तो यहां कंपैरिजन करेंगे, n प्लस l रूल लगाएंगे, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2, टोटल आंसर आया 5, 3d के लिए n प्लस l की वैल्यू 5 होती है, कैलकुलेट कर चुके हैं आप, 4p की वैल्यू कैलकुलेट करो, n प्लस l रूल लगाइए, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, आंसर 5, दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम है, ये रूल अप्लाई करेंगे, जब दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम है तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले एंट्री देंगे जिसकी n की वैल्यू लोवेस्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होगा 4p में नहीं, तो 4s2 में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जंप करता है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे और इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा, कहां आएगा, d में,
डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अरे डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब 4s2 कंप्लीट होगा और इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो वो डी में आते जाएंगे। डी में कैसे आएंगे? डी में पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डी कंप्लीट हो गया। अब डी कंप्लीट होते ही 4s2 तो पहले ही कंप्लीट था, अब इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। नोट करिए, चलिए भाई, ये n प्लस l की स्टोरी है। अब इसमें हम इस रूल रेगुलेशन से ऑर्बिटल की जो फीलिंग है उसको एक बार हम नोट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को फीलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, और वही आपके पास लिखा होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होगा? 1s में। फिर कहाँ आएगा? 2s, फिर 3s, फिर 3p। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1s, 2s, 3s। नहीं भाई, यहाँ 3s के पहले 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 3p, 3p के बाद फिर 4s आ जाएगा। अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद आएगा 3d, उसको भी अंडरलाइन करिए, फिर आएगा 4p एंड सो ऑन सो ऑन। वो n प्लस l रूल हम बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इसका एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, सिंपल सा, जो आपने 9th-10th में भी स्टडी किया है। कैल्शियम 20 पर चलते हैं। देख, कैल्शियम 20 में है, कैल्शियम 20 में 20 इलेक्ट्रॉन से, तो इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 10। क्या करते थे आप 9th-10th में? 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, यहाँ 10 फिलअप कर दो। ये गलत हो गया। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि वैलेंसी सेल बन गया, वैलेंसी सेल में तो 1-2-8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब आप थर्ड सेल में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते, आपके पास 10 रिमेनिंग है, तो उससे लेस रेंज क्या होती है? 8, लास्ट में 2। अब देखिए आपने क्या किया, यही n प्लस l रूल को आपने अप्लाई किया है, बट पहले आपको ये पता नहीं था कि n प्लस l रूल है। बस हम तो ये मानते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रखते हैं, सेकंड में 8 रखते हैं, हमारे पास 10 थे तो हमने 8-2 कर दिया। सब ने हमको सिखाया था, हमने भी वैसे ही याद कर लिया। इस रूल रेगुलेशन से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं। देखिए, सुनिए, ये क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पहले 1s2 में, फिर कहाँ आएंगे? 2s2 2p6। ये डिजाइन बना दी मैंने, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2s2 2p6। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s2 2p6 हो चुका। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 3s2, 3s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन है। बताओ ये ऑर्बिट कौन सा है? ये तो फोर्थ ऑर्बिट है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ कौन था? अरे थर्ड सेल में तो 3d होगा ना, आपने इलेक्ट्रॉन फिलअप किया था क्या 10th में? नहीं, आप कहाँ ले गए थे उसको? 3p के बाद क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s। ये हो गया कंप्लीट 4s2। 3d में आप इलेक्ट्रॉन फिलअप ही नहीं किए। पोटेशियम का एग्जांपल समझा, 19 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 8 टोटल, 10 रिमेनिंग, 9। क्या आप यहाँ 9 फिलअप कर सकते हो? आंसर दोगे? सर नहीं,
क्योंकि थर्ड सेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हैं हम थर्ड सेल में, लेकिन हमारे पास है 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि वैलेंसी सेल जनरेट होगा और वैलेंसी सेल में 9 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप नहीं कर सकते, तो कितना फिलअप करें 8-1। यहां जैसा आपने किया था वैसे यहाँ किया है, क्या बनेगा डायग्राम, 1s2 2s2 3s2 3p6 3p6 के पास में 3d वहां पर था, लेकिन आप उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ले गए, कहां ले गए 4s1। अरे बात समझ में, ये है n प्लस l रूल की टेक्निक से हम पोटेशियम और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते थे। अब इसके बाद आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए आपके पास आया स्कैंडियम 21, ठीक, सुनिए क्या होगा, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 टोटल 10 रिमेनिंग 11। अब आप क्या कर सकते हो, यहां कितना रखोगे 8, यहां रखोगे 3, यही करोगे, यही सीखा है अभी तक हमने, फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 8 11 रिमेनिंग 8 और 3, ऐसा कर दिया, ये गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, गलत हो गया मींस गलत हो गया। अब क्यों गलत है क्यों सही है समझ, ये रूल ध्यान रखेंगे, 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाता है और फिर 3d में रिटर्न होता है, लौट करके इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, समझिए क्या गलत किया, ये 1s2, ये लिख दिया 1s2, फिर यहाँ क्या होगा 2s2 2p6, ये 3s2 3p6, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p6, लास्ट ऑर्बिट में कितना है 3, तो क्या बनेगा डायग्राम, यहाँ 3d वैकेंट है, आपने क्या लिख दिया 4s2 4p1। बताओ आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ लिए गए, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, अरे 4s2 4p1 आप p में इलेक्ट्रॉन को जंप करा गए, जबकि यहाँ तो 3d वैकेंट बैठा है थर्ड सेल में, और रूल क्या है 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन, ये 3p6, इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा 4s2 में, 4s2 के बाद रिटर्न कहाँ होना था, 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आना चाहिए, तो इसका करेक्ट कॉन्फिगरेशन कहाँ से लाए, सही क्या है, ये करेक्ट है 2 8 9 2। अब डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम क्या होगा, ये 1s2, सेकंड का क्या होगा 2s2 2p6, 9 इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p6, 3s2 3p6, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे यहाँ 4s2, एक इलेक्ट्रॉन और है वो कहाँ होगा, अरे 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ गया होगा, अब रिटर्न हुआ ये यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्कैंडियम का ये करेक्ट कॉन्फिगरेशन 2 8 9 2, इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, यहाँ 2 रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है आप इधर फिल अप करें, करेक्ट कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, ये n प्लस l का रूल है, पूरी पहले कहानी नोट करी है, फिर मैं इसकी और आपको डिटेल प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये सारी चीजें आपके पास नोट है, अब यहां पर n प्लस l रूल को इतना याद रखें, उसके बजाय एक शॉर्ट ट्रिक लिख लें, जो पीरियोडिक टेबल के 100 एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए, क्या शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट रिमेनिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन, स्टार्टिंग से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई मत करना, जब लास्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो तब उस पर अप्लाई करिए, आंसर सही आ जाएगा। जैसे लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
आप एस पर रूल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फर्स्ट आर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 32, ये रूल है, वैलेंसी शेल का ध्यान रखिए फ्रॉम 1 to 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते करते आपके पास लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 9, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, 8 1 लास्ट को 1 ले जाना, क्योंकि वैलेंसी सेल में 1 to 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, आप लास्ट में 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते, तो 8 और 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जैसा आपने पोटेशियम में किया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 8 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे हमने कैल्शियम में किया था। ये तो सिंपल जनरल रूल है। अब यहां से शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट होती है। अगर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो आप 8 और 3 मत करिए। 11 है ना रिमेनिंग, तो आप 8 और 3 कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना। अब 11 में क्या करना है, लास्ट में 2 ही रखना है, इधर 9 कर दीजिए, 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना 9 2, लास्ट में आपको केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो यहाँ पर इंक्रीज करते जाना, n+l रूल हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर 12 रिमेनिंग है तो 12 रिमेनिंग है तो 8 और 4 मत करें, क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 10 2, लास्ट में 2 ही रहेंगे क्योंकि 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाता है, ऐसा देख लीजिए 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता था, 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाता था, फिर आपके पास दो ऑप्शन थे 4p और 3d, तो आपने तो पढ़ा n+l रूल के 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 4p में नहीं जाएगा, इसका मतलब यहाँ कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बैक साइड आएगा, यहाँ आएगा, इसमें आएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने लिखा था 3p 3p के बाद 4s फिर 3d और फिर 4p, ये n+l रूल का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। तो ध्यान से समझिए 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएगा, 4s2 के बाद 4p में नहीं इंटर होगा, कहां रिटर्न होगा, 3d में, कितना 1 2 10, x से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। बस हम यही कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ डी ऑर्बिटल में ला रहे हैं, जब तक यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए तब तक यहाँ रखते रहिए, लास्ट में 2 ही रखिए, अपने आप n+l रूल हो जाएगा। इफ द लास्ट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 13, तो क्या करोगे, लास्ट में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 13 है तो 11, 14 है तो 12, 15, 16, 17, 18, ये 13 2, ये 14 2, ये 15 2, 18 को 16 2, अब बचा लास्ट 19 और 20, ये 19, 17 2, ये 20, 18 2, देखो मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ 18 हो चुके हैं, बस 21 अगर इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो यहाँ 18 रखिए, अब आगे जाएगा, अब 3 हो जाएगा, जैसे गैलियम 31, ये कोई यूनिट एलिमेंट 31 इलेक्ट्रॉन, इनका फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 21, 21 हमारी शॉर्ट ट्रिक में नहीं है, ही नहीं, कहाँ है 21, 20 तक की शॉर्ट ट्रिक है, 21 रिमेनिंग, 18 3, यहाँ 18 तक ये 3 यहाँ रख दीजिए, करेक्ट हो जाए। एक अगर मान लीजिए आपके पास Fe26 है, ध्यान से समझते चलिए, Fe26 है तो फर्स्ट आर्बिट 2, सेकंड 8, टोटल 10, रिमेनिंग 16, सिंपल सी टेक्निक है, फर्स्ट आर्बिट को 2 फिलअप करते हैं, सेकंड को 8, टोटल 10, 26 से 10 माइनस किया, रिमेनिंग 16 हमारी शॉर्ट ट्रिक में, क्या फिलअप करोगे, 14 2, यही Fe का करेक्ट कॉन्फिगरेशन स्ट्रक्चर है, और समझिए Zr40, Zr40 40 इलेक्ट्रॉन है इसमें, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड
18, टोटल हुआ 28, 28 माइनस करिए रिमेनिंग 12, 12 हमारी शॉर्ट ट्रिक में क्या फिलअप करोगे 10 2। जब 12 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो लास्ट में तो 10 और 2 को फिलअप करिए, करेक्ट कॉन्फिगरेशन बन जाएगा। और समझाते हैं, लेंथ है 57, इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 18 फिलअप कर दिए, इन सब का टोटल करेंगे और इन सब का टोटल है, मेरे को वर्बली पता है 2, 8, 18, 18, 46। और 46 में जैसे इसमें से माइनस करूंगा 11 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है और 11 की मेरे को शॉर्ट ट्रिक पता है 9, ये इसका करेक्ट कॉन्फिगरेशन। इस तरह आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक सेकंड में हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है लेकिन ये एन प्लस एल रूल को ऑब्वे करती है। और एग्जांपल समझाता है, प्लेटिनम 78, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2, 8, 18, 32 ठीक है, टोटल 2, 8, 18, 32 का टोटल मेरे को पता है वर्बली 60, 78 इलेक्ट्रॉन है, 60 माइनस करिए रिमेनिंग 18, 18 रिमेनिंग है तो 18 तो शॉर्ट ट्रिक में 16 2, ये करेक्ट कॉन्फिगरेशन है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना गलत बता सकता, ठीक है, नोट करिए भाई, एन प्लस एल रूल की शॉर्ट ट्रिक है और इसी को